गुजरात चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात इकाई के नेता इंद्रनील राजगुरु ने आपका साथ छोड़ दिया है। इसुदान गढ़वी को सीएम पद का चेहरा बनाए जाने के बाद उन्होंने ऐलान किया इंद्रनील वापस अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में चले गए हैं। 7 महीने पहले ही वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए थे। इंद्रनील राजगुरु सौराष्ट्र के बड़े नेताओं में शामिल हैं। 2012 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राजकोट पूर्व से विधानसभा चुनाव जीता था। 2017 में राजगुरु राजकोट पश्चिम से तत्कालीन सीएम विजय रूपानी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसी साल अप्रैल में राजगुरु कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हो गए थे। 2017 में दिए गए हलफनामे के अनुसार राजगुरु के पास कुल 141 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। वो 2017 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार थे। बताया जाता है कि राजगुरु आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के इच्छुक थे, लेकिन केजरीवाल इसके लिए राजी नहीं हुए। इससे नाराज राजगुरु आप छोड़कर वापस कांग्रेस में लौट आए।